जहां एक तरफ बांग्लादेश में चाइना की नेवी ने एंटर किया है। जानेंगे बांग्लादेश और चाइना के बीच में क्या चल रहा है, बांग्लादेश भारत के बीच में क्या चल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ आईएमएफ ने अब चाइना के ऊपर सबसे बड़ा एक्शन ले लिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत के पड़ोसी बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद स्थितियां बदल रही है। जो देश भारत के साथ हुआ करता था वो भारत विरोधी बना हुआ है। हिंदुओं पर बांग्लादेश में लगातार अत्याचार हो रहा है, वहीं अब चीन की नौसेना बांग्लादेश पहुंच गई है। चीनी नौसेना के एक बेड़े ने शनिवार को बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह का दौरा किया। अगस्त में बांग्लादेश में तख्तापलट और अंतरिम सरकार के सत्ता में आने के बाद ये पहला विदेशी बेड़ा है। बांग्लादेश में चीन के राजदूत याओ वेन ने इस मौके पर कहा कि ढाका में हुए राजनीतिक बदलाव के बीच भी हम चाहते हैं कि चीन और बांग्लादेश संबंध आगे बढ़ाते रहें। चीनी दूतावास ने एक बयान में कहा कि बांग्लादेश की घरेलू स्थिति में चाहे जो कोई भी बदलाव आए हों, चीन बांग्लादेश संबंधों को विकसित करने की चीन की प्रतिबद्धता पहले जैसी ही बनी हुई है। चीन हमारी पारंपरिक दोस्ती को मजबूत करने, मैत्रीपूर्ण आदान प्रदान और विभिन्न क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग को गहरा करने, उच्च गुणवत्ता वाले बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को बढ़ावा देने के लिए बांग्लादेश के साथ मिलकर काम करने को उत्सुक है। इससे पहले याओ वेन और चीनी नेवी फ्लीट के कमांडर कुई जिगुआंग और जिंग गेंगसान ने चट्टोग्राम नौसेना क्षेत्र के कमांडर रियर एडमिरल मसूद इकबाल, बांग्लादेश नौसेना बेड़े के कमांडर रियर एडमिरल मोहम्मद मोइनुल हसन और रियर एडमिरल SM मोनिरुज्मा से मुलाकात। दोनों देशों ने बांग्लादेश और चीनी नेवी बलों के बीच समुद्री और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। चीनी राजदूत ने कहा कि चीन और बांग्लादेश व्यापक रणनीतिक सहकारी भागीदार हैं। इससे पहले दोनों देशों के बीच आखिरी महत्वपूर्ण यात्रा 8 से 10 जुलाई की थी, तब पूर्व PM शेख हसीना चीन गई थी, लेकिन छात्र आंदोलन से निपटने के लिए कथित तौर पर अपनी यात्रा को इन्होंने छोटा कर दिया था। बांग्लादेश चटगांव में चीन की मदद से एक बंदरगाह बना रहा है। इस फैसिलिटी ने पहले भी ध्यान आकर्षित किया है क्योंकि इसमें पनडुब्बियों और युद्धपोतों को रुकने देने की क्षमता है। अब यहाँ पर जो ये चीजें हो रही है, इसके बाद अमेरिका को भी एक झटका लगेगा, पर यह झटका भारत के लिए ज्यादा बड़ा है। भारत के आसपास एक समस्या खड़ी हो गई है और इस समस्या को हल करना भारत के लिए बहुत जरूरी है। भारत के साथ जहाँ बात करें संबंधों की, तो भारत के साथ इस वक्त बांग्लादेश के संबंध रसातल पर दिख रहे हैं। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के दौरान हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के घटनाओं के बीच देश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने 12 अक्टूबर को ढाका स्थित ऐतिहासिक ढाकेश्वरी मंदिर का दौरा किया। इस दौरान मोहम्मद यूनुस ने हिंदू समुदाय को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं दी। मंदिर में समारोह के दौरान मोहम्मद यूनुस ने कहा कि सरकार बांग्लादेश को इस तरह बनाना चाहती है जहां हर नागरिक के अधिकार सुरक्षित रहें। ये दौरा ऐसे समय में हुआ है जब ढाका में एक अन्य प्रमुख दुर्गा पूजा पर हमले की खबरें आई। इससे आज शनिवार को तांती बाजार के घटना और सतखीरा में जोरेश्वरी काली मंदिर में सोने के मुकुट की चोरी का हवाला देते हुए बहुत सारी बातें यहां पर कही गई है। तो भारत के साथ यहां संबंध ऐसे हैं, वहीं दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है कि चाइना के साथ थोड़ी गलबहियां बढ़ रही है। अमेरिका ने यहां ये कहा है कि हम तुम्हारे लिए मदद करेंगे, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, लेकिन अमेरिका से अभी उस तरह की कोई भी चीज देखने को नहीं मिल रही है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान पिछले कुछ सालों से आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। मदद के लिए कभी चीन तो कभी सऊदी अरब के पास गुहार लगाते पाकिस्तान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने मदद देने से पहले पाकिस्तान के सामने एक ऐसी शर्त रख दी है जो उसके अजीज दोस्त चीन को कतई पसंद नहीं आएगी। IMF ने पाकिस्तान से निवेश के लिए प्रोत्साहन देने वाले किसी भी औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार को रोकने के लिए कहा है। इससे देश में अधिक चीनी उद्योगों को आकर्षित करने के पाकिस्तान के कोशिशों को झटका लग सकता है। अमेरिका में स्थित IMF ने 10 अक्टूबर को जारी अपने रिपोर्ट में कहा कि अधिकारी किसी भी नए या मौजूदा विशेष आर्थिक क्षेत्रों को टैक्स छूट या सब्सिडी जैसे प्रोत्साहन प्रदान करने पर परहेज करेंगे। रिपोर्ट में कहा गया कि इससे निवेश के लिए समान अवसर प्रदान करने में मदद मिलेगी। IMF की शर्त ऐसे समय में आई है जब प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ चीनी कंपनियों को पाकिस्तान में ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री स्थापित करने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे उनके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत
परियोजनाओं को नई गति भी मिल सकती है। गौरतलब है कि पाकिस्तान ने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजना के तहत कम से कम 9 खास आर्थिक क्षेत्रों में निर्माण की योजना बनाई थी जो प्रक्रिया में है। पाकिस्तान के लिए IMF के मिशन प्रमुख नाथन पॉटर के मुताबिक IMF ने पाकिस्तान से देश के टैक्स आधार को कम किए बिना निवेश आकर्षित करने के लिए व्यवसायों को समान अवसर प्रदान करने के लिए कहा है। वहीं चीन ने अपने प्रमुख आर्थिक गलियारा परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान में प्रमुख बुनियादी ढांचे और ऊर्जा परियोजनाओं का निर्माण किया है, जिससे देश को मदद तो मिली है लेकिन देश भारी कर्ज के बोझ तले दब गया है। IMF से $7 बिलियन का कर्ज लेने के बाद पाकिस्तान के अधिकारी लगभग 100 प्रमुख चीनी उद्योगों को टेक्सटाइल पार्कों में निवेश करने के लिए आमंत्रित करने की का काम कर रहे हैं। बात करें कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया है उसमें से 9 से ज्यादा जोन पर तो चाइना का कब्जा है, यानी कि यहाँ IMF हर तरह से सुरक्षित कर रहा है, सुनिश्चित कर रहा है कि चाइना का निवेश यहाँ पर बाहर जाए। अब IMF का जो ये डिमांड है ये चाइना को पसंद नहीं आ रहा है, चाइना के लिए ये सबसे बड़ी मुश्किल है। हालांकि पाकिस्तान ने बहुत सारी कोशिश की है इस 7 बिलियन के IMF बेलआउट पैकेज के लिए। इन्होंने सबसे पहले कोशिश तो ये किया कि 1.5 लाख जॉब कट करने के लिए तैयार हो गए, 6 मंत्रालय को भी समाप्त करने के लिए तैयार हो गए हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी में सबसे बड़ा टेंशन क्या है? सबसे बड़ा टेंशन ये है कि सब पहले ये होता था कि पाकिस्तान को मदद करने वाला सबसे बड़ा देश हुआ करता था सऊदी। सऊदी अक्सर पाकिस्तान को बचा लिया करता था, लेकिन MBS के आने के बाद चीजें बदल गई और MBS ने अब नियम क्या कर दिया, MBS ने नियम ये कर दिया कि देखो अब जो है आपको पैसे इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे। वो जो आप आते थे और यहाँ से पैसे लेके चले जाते थे वो सारी चीजें अब यहाँ पर नहीं मिलने वाली है, और आपके तरफ से हमें जब तक कुछ नहीं मिलेगा तब तक आपको भी कुछ नहीं मिलेगा। ये बात यहाँ पर साफ कर दिया गया है। इससे सऊदी अरब की तरफ से तो ये टेंशन खड़ा हो ही गया है। चाइना की बात करें तो चाइना मुश्किल में है, चाइना की इकोनॉमी खुद समस्या में है, चाइना पहले वाले कर्ज को ही लेकर फंसा हुआ है। और जहाँ तक CPEC की बात है तो CPEC यहाँ पर उन्हें कोई फायदा नहीं दे रहा है, उल्टा उनके नागरिकों पर लगातार हमले पे हमले हो रहे हैं। तो इस वजह से CPEC से जब फायदा नहीं है तो वो और ज्यादा पैसे इस जगह पे लगाना नहीं चाह रहा है। काफी लंबी मशक्कत करने के बावजूद सऊदी और चाइना दोनों तरफ से पैसे इन्हें नहीं मिल रहे हैं, बच गया IMF। तो कहते हैं ना, एक साथ बहुत नावों की सवारी अच्छी नहीं होती है। अमेरिका के साथ रिश्ते ठीक करना चाहता है लेकिन अमेरिका के अनुसार चल भी नहीं रहा है पाकिस्तान, तो इसका असर IMF में भी देखने को मिल रहा है। खैर, अब चाइना कैसे मेंटेन करेगा बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों को, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।